हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सावन का महीना आते ही बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए तैयारियां शुरू कर देती हैं। भाई को इस बार कैसी राखी बांधनी है, कौन सी मिठाई खिलानी है, अपने आप को कैसे तैयार करना है, ये सारी चीज़ें हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती हैं। इन सब तैयारियों के बीच जब त्यौहार का दिन आता है तो अक्सर बहनें सबसे अहम पूजा की थाली तैयार करना तो भूल ही जाती हैं। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि रक्षाबंधन पर राखी बांधते वक्त पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए। तो ऐसे में त्यौहार से जुड़ी हर चीज़ आपको तो मिल जाती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से घर से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आप अपने घर में बड़े प्यार से अपने भाई को राखी बांधने और उसकी पूजा करने के लिए थाली तैयार कर सकती हैं। हम आपको बता रहे हैं कि रक्षाबंधन पर आपकी पूजा की थाली में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, वो होनी ही चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये बिल्कुल भी फ्री है। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको थाली में रखनी है राखी। ये त्यौहार ही राखी का है तो थाली में सबसे पहले सुंदर सी राखी रख लें। आप अपने भाई की उम्र और पसंद के हिसाब से राखी चुन सकती हैं। अगर छोटा बच्चा है तो आप पसंदीदा उसकी कार्टून रख सकती हैं। अगर आपका भाई बड़ा है तो उसके लिए सिंपल धागे वाली राखी ले सकती हैं। अगर उसे ब्रेसलेट का शौक है तो आप उसकी पसंद का कोई ब्रेसलेट स्टाइल में राखी खरीद सकती हैं। आप चाहे तो मार्केट से राखी खरीद लें या फिर घर में भी राखी बना सकती हैं। दूसरा जो चीज़ है जो आपकी थाली में होना चाहिए, कोई भी शुभ काम करते समय माथे पर तिलक लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए रोली का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी पूजा की थाली में रोली ज़रूर रख लें। वैसे तिलक लगाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। बीच माथे पर तिलक लगाने से शरीर को शक्ति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए राखी बांधने के बाद आप अपने भाई को तिलक जरूर लगाएं। तीसरा है जो थाली में आपके होना ही चाहिए, वो है चावल। माथे पर तिलक लगाने के बाद अक्षत यानी चावल लगाना शुभ माना जाता है, इसलिए अपनी पूजा की थाली में थोड़े चावल के दाने भी रख लें। भाई को तिलक लगाने के बाद उस पर चावल लगा दें। उसके बाद चौथा है दीपक। अब बारी आती है भाई की आरती करने की। जिस भाई से आप अपनी रक्षा का वचन मांगती हैं उसकी लंबी उम्र और खुशहाली के लिए आरती की जाती है। इसके लिए आप थाली में एक दीपक जरूर रख लें। आप चाहें तो इसके लिए मिट्टी का दिया भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद है लास्ट है पांचवा, मिठाई। आखिर में भाई का मुंह मीठा कराना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए आप थाली में मिठाई रखना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहें तो अपने भाई की पसंद की मिठाई घर पर भी बना सकती हैं। वैसे रक्षाबंधन पर कई जगह घेवर खिलाने का भी चलन है। आप कोई भी मिठाई रख सकती हैं आपके भाई की पसंद की हो। तो आप ये थाली में ज़रूर रखें, रक्षाबंधन, रोली, चावल, दीपक और मिठाई। ये थाली में पांच चीज़ें रहनी ही चाहिए। तो ये कैसे लगे ये टिप्स ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। रक्षाबंधन पर हर भाई बहन को ढेर सारा प्यार एंड शुभकामनाएँ।